मेरा अपने पति के साथ में जम नहीं रहा मैं नहीं रहना चाहती हूँ उसके साथ और साथ ही साथ मुझे उससे पैसे भी चाहिए हर महीने के खर्चे मेरे लिए भी मेरे बच्चों के लिए भी या पत्नी को छोड़ भी दें अगर पति के मन में यह डाउट है कि यार मेरी पत्नी को अगर मैंने छोड़ा तो मुझे क्या देना पड़ेगा या क्या विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं जिसका मुझे सामना करना पड़ेगा कितने मेरे पैसे मेरी जेब से कट जाएंगे इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में खकालने की कोशिश करते हैं नमस्कार आप सभी ने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइज में इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून से संबंधित वीडियोज़ हैं हम आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं इस वजह सब्सक्राइब कर लें जी हाँ कंटिन्यू बने रहेंगे और कानून की जो जानकारी है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के आद्यम से लॉ से संबंधित आपको मिलते रहेंगे चलिए जरा बात करते हैं कि एलिमिनी और मेंटेनेंस पति-पत्नी के बीच में डिस्प्यूट मुझे क्या मिलेगा और मुझे क्या देना पड़ेगा इन्हीं मुद्दों को जरा डिस्कस करते हैं जिसको दो अगर लीगल टर्मिनोलॉजी में हमें डिवाइड करना पड़े तो हम कह सकेंगे एलिमिनी एंड मेंटेनेंस जरा समझते हैं मेंटेनेंस जो हमेशा हर महीने का खर्चा होता है पत्नी का बच्चों का इसे आप कह सकते हैं मेंटेनेंस मेंटेनेंस तब दिया जाता है जब कैपेसिटी नहीं है मान लीजिए बच्चे हैं तो बच्चे कमाते तो है नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड थे आपने अब घर से बाहर निकाल दिया अब क्या होगा उनका अब आपकी जवाबदारी है बाहर रहें या अंदर रहें आपको ही उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा उनको भरण पोषण देना पड़ेगा हर महीने का जो खर्चा उनके रहने का स्कूल जाने का खाने का पीने का या जो भी एक्स वाई जेड खर्चे हैं वो आप मेंटेनेंस में कंक्लूड कर सकते हैं ज़्यादातर जो एप्लीकेशन होती है मेंटेनेंस के अंडर प्रोविजन वन ट्वेंटी में दी जाती है जी हाँ और एलिमिनी क्या है फिर क्योंकि पैसे यहां भी देने हैं वहां भी देने हैं तो फिर एलिमिनी क्या हुआ एलिमिनी का मतलब यह होता है कि एक साथ एक मुश्त एक साथ जो लिया गया पैसा पति से पत्नी को उसे हम एलिमिनी कहते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस है वहां पे पार्ट पेमेंट मिल रहा था हर महीने मिल रहा था जो रेगुलर खर्चे थे वो मिल रहा था यहां पर क्योंकि आपकी शादी को एक लंबा समय हो गया आप पति पत्नी है या फ्रॉड करके शादी आपके साथ में की है तो डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्ज्यूगल राइट नलिटी ऑफ मैरिज एनलमेंट ऑफ मैरिज इन सारे मामलों में आप एनलमेंट का केस लगा करके एक मुश्त राशि क्लेम कर सकते हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन कब देंगे? यानी कोई भी ये जो मामले मैंने आपको बताया ना चाहे वो आपका डिक्री रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट आने के पहले का, जुडिशियल सेपरेशन के डिक्री जजमेंट आने का पहले को नलिटी ऑफ मैरिज एन का डिक्री आने के पहले और डायवोर्स का केस खत्म होने के पहले हो आपको उसके पहले ही एप्लीकेशन देनी है और कोर्ट से निराकरण करवाना है जिस पर अगर आपके पास अगर एविडेंस होंगे तो ज्यादा उचित रहेगा एविडेंस इन द सेंस फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेंटेनेंस क्लेम करना चाहते हैं आप अगर कहते हैं कि भाई मेरा हस्बैंड किसी कंपनी में काम करता है जॉब करता है वर्किंग प्रोफेशनल है या बिजनेस करता है तो उसके कुछ सबूत तो आपको देने पड़ेंगे कि ये मकान ये दुकान ये रेंटल इनकम ये कंपनी ये जॉब ये आपको डिटेल देनी पड़ेगी अगर ये डिटेल आप प्रोवाइड करते हो तो उसी के आधार पर जो आपका मेंटेनेंस है वो बनता है और इसी के आधार पर आपका एलिमिनी भी बनता है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ या काम करता हूँ मेरी एक लाख रुपए सैलरी है साथ ही साथ मेरे दो का चार घर मकान फ्लैट दुकानें हैं तो इन सभी को आधार बना करके जो एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में मेरी वाइफ फाइल करेगी उसके बेस पे वो मुझसे ले सकती है तो आपको भी हमेशा ध्यान में में रखना हवा में बात करने के अलावा अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक रेलिवेंट प्रूफ है तो आप जरूर कोर्ट में एप्लीकेशन दें किसकी फाइव की तो आप देंगे मेंटेनेंस तो आपको चाहिए तब जब आप नहीं जॉब कर रहे अपने आप पे नहीं खड़े अपने पैरों पर पे, उस कंडीशन पर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है उस कंडीशन पर और साथ ही साथ एलिमनी तब जब आपने एक लंबा अरसा एक लंबा समय अपनी शादी को दे दिया है, खासकर मामले जहां पर लड़की पक्ष के काफी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं कहाँ शादी पर वो क्लेम करती है एलिमिनी। एलिमिनी कई बार जो हमारे के केसेस होते हैं, आपसी सहमति जो तलाक होता है वहां पे भी होता है लेकिन वो कर लेते हैं और जो कॉन्टेस्टेड केस होते हैं और कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के केसेस में वहां पर कोर्ट डिटरमाइन करती है कि भाई कितना मिलना चाहिए तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वो प्रॉपर एविडेंस आपको देने जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा ले सको हर महीने का खर्चा आपका कितना होगा दस पंद्रह बीस तीस चालीस हजार रुपए लेकिन जो एलिमिनी आपको मिलता है वो पाँच दस पंद्रह बीस चालीस पचास करोड़ रुपए इस तरीके से डिटरमाइन होता है मतलब ये एक साथ मिलने वाला बड़ा एक पैसा होता है इस वजह से आपको फोकस करना चाहिए कि आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस रहे और उस एविडेंस के बेस पे आप अपने केस को डाले पति के लिए भी बात यही है कि भाई आपको पैसे बचाने हैं तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपने पास में कम से कम रखने की कोशिश करें अगर आपके पास में ना रहेगा तो आपको ना देना पड़ेगा लेकिन ऐसी स्थिति ना आने दें खासकर इस तौर पर जहां पर वास्तविक एक, एक एल्युमिनी दी जानी चाहिए वो उसका परसेंटेज जो होता है वो कोर्ट डिटरमाइन करती है हालाँकि वो परसेंटेज आप समझ लीजिए कि लगभग मिनिमम टू तो मिनिमम भी पंद्रह तो होता ही है एलिमिनी का प्रोपोर्शन और मैक्सिमम टू मैक्सिमम थर्टी तक चला जाता है कुछ विशेष केसेज में थर्टी

मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाने की बताने की कोशिश की मेंटेनेंस और एलिमिनी एलिमिनी की जो एप्लीकेशन है वो अलग फाइल कर सकते हो आप मेंटेनेंस की अलग फाइल कर सकते हो ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस की कर दी तो एलिमिनी की नहीं कर सकते दोनों कर सकते हो आप मतलब वन ट्वेंटी प्रोविजन में मेंटेनेंस भी केस फाइल कर सकते हो और अगर स्पेशल मैरिज एक्ट की बात कर लें तो सेक्शन थर्टी सेवन सबसेक्शन वन की जो एप्लीकेशन है वो भी आप कोर्ट में फाइल कर सकोगे जैसा कि ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर जजमेंट रामचंद्र आनंद सूर्यवंशी वर्सेस

उस स्थिति में उसके पहले आपको ये एप्लीकेशन देनी है बाद में नहीं देनी लेकिन आप एप्लीकेशन दे सकते हैं या नहीं यह आपका एप्सल्यूट ऑनरशिप बन जाता है एप्सल्यूट लीगल राइट बन जाता है आपको एप्लीकेशन करनी चाहिए कोर्ट में कोर्ट दे या ना दे या कितना दे उनके ऊपर एक जोरेजिक शब्द आप छोड़ ही सकते हैं आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कोई प्रश्न है आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली बात करना चाहें इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है लिंक है जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात हमेशा मिलते रहेंगे आप और हम इस वजह से सब्सक्राइब जरूर कर लें। लीगल एडवाइस जो आपका चैनल इस चैनल के माध्यम से हम लगातार जो कानून की इंफॉर्मेटिव हैं, वो आप तक पहुंचाने का करते हैं प्रयास मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें